सुप्रभात बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 9, मेघा अब तो बरसो रे। ये कविता है, मेघा अब तो बरसो रे। ये कविता अनिल कुमार शर्मा के द्वारा लिखी गई है। अब देखिए कविता में क्या है। सूखी धरती प्यासे लोग पानी को करते हैं शोर। धरती जो है वो सूखी है और लोग भी प्यासे हैं, पानी के लिए ललायित है। पानी कहीं नहीं मिलता है, जब चारों ओर गर्मी हो जाती है, धरती पे जब सूरज की तेज रोशनी पड़ती है तो सभी लोग काफी प्यासे महसूस करते हैं और पानी, पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है और धरती भी प्यासी हो जाती है, सब प्यासा हो जाता है। तो ऐसे में लगता है जो कहीं से बारिश आ जाए तो अच्छा लगे, तो सबकी प्यास बुझे। तो है सूखी धरती प्यासे लोग पानी को करते हैं शोर, मेघा अब तो बरसो रे। धरती के सूख जाने के कारण प्यासे लोग हैं, वो पानी के लिए शोर मचा रहे हैं। मेघा अब तो बरसो रे, मेघा अब तो मेघ को मतलब पानी को बोल रहे हैं बरसो। कीचड़ में तरपे है मछली, तालाब का पानी सूख जाने के बाद कीचड़ हो गया है और उसमें मछली जो है वो तड़प रही है। फूलों को तरसे हैं तितली, और फूल अच्छा तरह से नहीं खिला हुआ है, फूल में रस नहीं है, इसलिए तितलियां फूलों पर नहीं मंडरा रही है। इसीलिए मेघा को कहा जा रहा है मेघा अब तो बरसो रे। पेड़ सूख गए, खेत सूख गए, गर्मी के कारण पेड़ और खेत सभी सूख गए हैं। सब में धूप जब ज्यादा होती है तो खेत सब फट जाता है ना, चारों ओर धूल ही धूल नजर आती है ना। बादल हरियाली से रूठ गए, खेत और पेड़ सूख जाने के कारण लोग बोल रहे हैं बादल जो है वो हरियाली से रूठ गए हैं, इसलिए हे मेघा अब तो बरसो, मतलब हे बादल, हे मेघ अब तो बरसो, मेघा अब तो बरसो रे। बैठ तरुवरों की डाली, नहीं गाती अब कोयल काली। बैठ तरुवरों की डाली, नहीं गाती अब कोयल काली। तरुवर मतलब पेड़ों की डाली पर अब कोयल नहीं गाती है, मेघा अब तो बरसो रे। इसलिए बादल को बोल रहा है हे बादल अब तो बरसो। इतने में मच गया शोर, बिजली चमकी घटा घनघोर। लोग सब जब शोर करने लगे, सब जब त्राही माम होने लगा हे मेघा बरसो बरसो बरसो, तो सबकी फरियाद सुनकर बिजली चमकी घटा घनघोर। बिजली चमकी और चारों ओर घनघोर काला बादल छा गया। मेघा जोर से बरसो रे, मेघा जोर से बरसो रे। जब बादल को देखे लोग तो काफी खुश हो गए और तब उससे बोलते हैं हे मेघा तुम जोर से बरसो, हे मेघा तुम जोर से बरसो। इस कविता को आप लोग याद कीजिएगा। अब कैसे पढ़िएगा एक बार मैं पढ़ के आप लोगों को बताती हूँ। सूखी धरती प्यासे लोग पानी को करते हैं शोर, मेघा अब तो बरसो रे। कीचड़ में तरपे हैं मछली, फूलों को तरसे हैं तितली, मेघा अब तो बरसो रे। पेड़ सूख गए, खेत सूख गए, बादल हरियाली से रूठ गए, मेघा अब तो बरसो रे। पेड़ों की डाली, नहीं गाती अब कोयल काली, मेघा अब तो बरसो रे। इतने में मच गया था शोर, बिजली चमकी घटा घनघोर। मेघा जोर से बरसो रे, मेघा जोर से बरसो रे। अब इस कविता को आप लोग इसी तरह से पढ़ के याद कीजिएगा। और यहाँ देखिए कौ में है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये कविता की पंक्ति आप लोग पूरी कर लीजिएगा, इस कविता को याद कीजिएगा, उसके बाद इसको पूरा कीजिएगा और कॉपी में बनाइएगा। खौ में है सही विकल्प के आगे टिक लगाइए। कोयल कहाँ बैठकर गाती है, छत पर, फूलों पर, पेड़ की डाली पर, इसमें होगा पेड़ की डाली पर। मेघा अब तो बरसो रे कौन कह रहा है, ओ तितली, वो कोयल, सौ लोग, इसमें सौ होगा लोग। तीसरा है कीचड़ में तरपे हैं मछली, कीचड़ किस कारण हो गया है, पानी बरसने के कारण, पानी सूख जाने के कारण,
मछलियां आ जाने के कारण, पानी सूख जाने के कारण। यहाँ देखिए भाषा बोध में है, कौमी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। सूखा, खेतों में सूखा पड़ गया। प्यासा, मैं प्यासा हूँ। भूखा, वह भूखा है। ख में है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पानी का होगा जल, कोयल का कोकिला, मछली का मीन। अब ग में है सही बर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। सही बर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाना है तो देखिए यहाँ है कीचड़, यहाँ है कीचर, दो तरह से लिखा हुआ है, ये सही है। तितली और यहाँ है तितली, तो ये तितली सही है, यहाँ टिक लगाइएगा। और फिर चौथा में देखिए घनघोर और घनघोर, घनघोर नहीं होता है, घनघोर होता है। सॉरी बच्चों, तीसरा नंबर पे है हरियाली और फिर यहाँ है हरियाली, तो यहाँ ये हरियाली होगा। इस तरह करके आप लोग सब अपनी कॉपी में बनाइएगा और कविता को अच्छी तरह से याद कीजिएगा, ठीक है।